मन धन मांग रहा बलिदान वतन नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता डोबरियाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छोटी सी मुलाकात, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो न सिर्फ राजनीति में हैं बल्कि समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए जागरूक भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा भी रहे हैं और साथ ही साथ गुर्जर समाज के लिए भी तत्पर दिखते हैं ये सारे राजनीतिक लोग। और आज हमारे साथ मौजूद है फरीदाबाद जिला पंचायत के सदस्य हेमा बैसला। हेमा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। तो जैसा कि हमको पता है कि आपने अभी जो इलेक्शन है उनको जीता भी, जीत का स्वाद आपने चखा है वो भी पहली बार में। जी, इस पर आपको क्या कहना है? बहुत, एक तो मैं बोलना चाहती हूँ कि फैमिली एक्सपीरियंस था मेरा और बहुत ही एक्साइटिंग मेरे को ये चीज़ लगा, क्योंकि इतने कम एज में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ही बड़ी थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ अभी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, बहुत बड़ी है, मेरे को ये निभानी पड़ेगी बहुत ही अच्छे से, क्योंकि काफ़ी होप एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की मुझसे, जिम्मेदारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, क्योंकि अब क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि वो सारे मुद्दे अब उठकर सामने आ रहे हैं जिनको लेकर आपने इलेक्शन लड़े। जी बिल्कुल। तो वो कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने जनता को आपकी तरफ खींचा है? वो मुद्दे आपको पता है कि फरीदाबाद में बहुत ही गार्बेज प्रॉब्लम है, और मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ तो आपको पता है गाँव शहर से पिछड़ा रह जाता है जी। उनके बारे में कम सोचा जाता है, बिल्कुल। कभी भी आपने नोटिस किया होगा या कोई सीएम आ रहे हैं पीएम आ रहे हैं तो वो आउटर ब्यूटिफिकेशन ज्यादा देखते हैं, अंदर जो डेवलप्ड है ऑलरेडी उसे डेवलप करने में लगे रहते हैं लोग, गांव और जो गरीब है उनके बारे में बाद में सोचा जाता है। तो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और यहाँ की हालत बहुत ही गंदी है, यहाँ सड़कें प्रॉपर नहीं है, गार्बेज, इलेक्ट्रिसिटी, सारी ही जितनी छोटी मोटी एसेंशियल चीजें हैं डे टू डे लाइफ में वो काफी कम है यहाँ पे। तो ये मुद्दे थे मेरे सारे, महिलाओं को लेकर जागरूकता के लिए वो आपका पहली प्राथमिकता हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और यंगस्टर के लिए भी एक कुछ सोचा होगा, क्योंकि आप भी एक यंग यूथ में हैं, तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ मुझे यंगस्टर के लिए कुछ करना चाहिए। जी, मैं, मेरे फादर ने ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया मेरे को इलेक्शन में, जो मेरे को फाइट कराया उन्होंने, बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी है या गांव ले लीजिए आप, वहाँ पे लड़कियों को इतना ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं है। तो ये जो भी है इससे मेरी जो बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, काफ़ी इंस्पायर हुई है मेरे जो ये कदम मेरे फादर ने उठाया। तो काफ़ी, मैंने अभी मेरे इलेक्शन जब मैं जीत चुकी थी तो मैंने देखा कि काफ़ी स्पोर्ट्स में लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो मलेशिया गई थी खेलने के लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स अब थोड़े खुल के बाहर आ रहे हैं बच्चों के लिए सोच रहे। हाँ, वो बोलते हैं, वो मेरा एग्जाम्पल देते हैं कि हेमा दीदी को भी तो मौका मिला तो हमें मिलना चाहिए, है ऐसे एग्जाम्पल देने की, क्योंकि आप भी इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर भी लिया है और आगे भी फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है और कुछ सोचा है आपने तो वो बिल्कुल साकार होगा। तो हेमा जी, यहाँ पर एक है कि 24 अगस्त को इंटरनेशनल गुर्जर डे मनाया जाता है, और ऐसा भी सुना है हमने कि जब आपने इलेक्शन लड़ रहे थे उससे पहले आपने कुछ कमिटमेंट करी थी गुर्जर समाज के, क्योंकि आप भी गुर्जर समाज से ही बिलोंग करते हैं, तो आपने कुछ कमिटमेंट लेकर चले थे वो, और आज ये है कि आप इलेक्शन जीत गए हैं और आपने वो कमिटमेंट सारी फुलफिल कर ली है, उन्हीं कमिटमेंट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। वो कमिटमेंट एक्चुअली ये थी, मेरा कैंपेनिंग चल रहा था तो मैं डोर टू डोर जा रही थी, तो मैं नरेंद्र जी से मिली, वो मेरे को स्पेशली आए थे आशीर्वाद देने, तो सब कुछ डिस्कस कर रहे थे। बहुत AVVGM का मुझे इतना सपोर्ट मिला है, मैं ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया बहुत फेमस, इतने फोन कॉल्स, वो सारा श्रेय मैं AVVGM को दूंगी। तो उनकी जो मेरे पास
सपोर्ट थी इतनी, तो मैंने नरेंद्र जी को उस टाइम पे प्रॉमिस किया था कि सर अगर मैं ये इलेक्शन विन करती हूँ तो मैं अपने पूर्व जो की पेंटिंग्स और या स्केच जरूर बना के दूंगी आपको। तो ये मेरी कमिटमेंट थी और ये आज पूरी हुई। क्रांतिकारी हैं जो गुर्जर समाज से जुड़े हुए हैं, उन सबके स्केचेस आपने अब पूरा कम्प्लीट हो गया है, तो अब आगे क्या है कि वो पब्लिश होंगी, एग्जीबिशन में जाएंगे, कैसे आप करेंगे इनको? नहीं, वो हम एग्जीबिशन में देंगे, वो हमारी एक निशानी के तौर पे हम अपने पास रखेंगे उन्हें। और अराउंड 30 स्केचेस हैं और बहुत बेहद सुंदर, आप उनका ले भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि वो उन स्केचेस की तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाए और हमें वो दिखाए कि वो स्केचेस आखिर है क्या। फरीदाबाद वार्ड नंबर 20 की पार्षद हेमा कैलाश बैंसला, जिन्होंने छोटी उम्र में ही ये मुकाम हासिल किया, पहली बार राजनीति में उतरकर इलेक्शन लड़ा और जीत का स्वाद चख लिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति इनके खून में है, क्योंकि इनके पिता कैलाश बैंसला और माता राजबाला बैंसला दोनों ही राजनीति में रह चुके हैं और जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। मन में युवाओं के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत और गुर्जर समाज के बारे में लोगों के बीच जागरूकता लेकर आना, ये दो ऐसे कारण रहे जिन्होंने इस जीत में हेमा का साथ दिया। हेमा ने इस लड़ाई में उतरने से पहले अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा से ये बात कही थी कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो अपने समाज से जुड़े सभी क्रांतिकारियों को नमन कर इनके स्केचेस बनवाकर समाज के बीच लेकर आएंगी। और आज हेमा जी ने अपनी बात को पूरा करते हुए ये काम पूरा किया और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा को ये स्केचेस भेंट किए। एक बात इसमें काफी अहम है, हेमा जी ने इस पूरे कार्य में अपने तन मन धन से सहयोग किया। इस मौके पर एबीवीजीएम के प्रतिनिधि मंडल, राष्ट्रीय संरक्षण नरेंद्र गुर्जर, राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तंवर, राष्ट्र खबर के CMD महेश बेसोया, महामंत्री अनिल खेपड़, दुष्यंत नागर, महेश फागना, नितिन ढेडा, धर्म गुर्जर, अरुण गुर्जर, शेखर गुर्जर, सुबेदार तंवर, टीटू गुर्जर, दीपक ढेडा, टिंकू ढेडा मौजूद रहे, जिन्होंने हेमा बैंसला जी को मेहर भोज की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। आज अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के फरीदाबाद की कार्यकारिणी के सभी सदस्य हेमा बैंसला जी ने जब टिकट मिला था तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा से अपने एक लेटर देकर एक हमसे कमेंटमेंट करा था कि जो हमारे पूर्वज के स्टैचू बनेंगे उनका पूरा खर्चा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। संगठन ने बहुत जितने भी क्षेत्र में मेहनत करी, बच्चों ने बहुत मेहनत करी और वो उनकी मेहनत रंग लाई। हेमा जी बहुत अच्छी वोटों से जीती और हेमा जी ने हमारे समाज का, गुर्जर समाज का एक इतना अच्छा गौरव बढ़ाया कि काफ़ी वोटों से जीतने के बाद ऐसे बच्चे, ऐसे हमारे गुर्जर बेटियाँ और भी कहीं पार्टियों से निकल के आती हैं और हमारे संगठन अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का सहयोग मांगते हैं, तो हम तत्पर उनके लिए साथ होंगे, क्योंकि समाज का एक गौरव इस तरीके से बच्चियां काम कर रही हैं और समाज के लिए भी पढ़ती हैं, अदर समाज को सर्व समाज से ही पूरे काम कर रही हैं, तो ऐसे बच्चों को हम बार बार
अपना अखिल भारतीय संगठन हमेशा उनके साथ रहेगा और वो अपने जो उन्होंने हमसे वादे करे थे स्क्रैचों के, उनके सारा खर्चा वो हमें दे रही है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारी समस्त टीम अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा पूरे NCR से बहन हेमा कैलाश बैसला जो काउंसलर है वार्ड नंबर 20 फरीदाबाद से, उनका धन्यवाद करने आई है, जिन्होंने एक बात ठानी थी कि अपने पूर्वजों के स्केच वो बनवाएंगी और आज उन्होंने स्केच बनवाकर एक मिसाल कायम की है सभी बहनों के लिए, सभी बेटियों के लिए। उन्होंने अपने पूर्वज जैसे वत्सराज सम्राट, नागभट्ट सम्राट, सम्राट रामभद्र जी और रामप्यारी गुजरी और अनेकों पूर्वजों के 1857 में जिन्होंने बलिदान दिया, सभी क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल, टूंटा चंदीला जी, बिशन सिंह डेढ़ा जी, सभी के वो बनाई हैं, तो हम सभी टीम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं और आगे भी वो समाज के ऐसे कार्य करती रहें। हम उनके भविष्य के लिए अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रार्थना करती है कि वो भविष्य में सफलताएं प्राप्त करती रहें। धन्यवाद। बिल्कुल हेमा जी, हमने देखे वो स्केचेस हमारे दर्शकों ने देखे, तो बहुत ही खूबसूरत कमिटमेंट आपने की थी, तो खूबसूरत कमिटमेंट करने के लिए आपको किसने सबसे ज्यादा इनकरेज किया था? क्योंकि जैसे कि सारे पोर्ट्रेट्स में है, हमने अपने क्रांतिकारी जितने भी हैं गुर्जर समाज से भी रिलेटेड है, हमारे देश के वीर शहीद क्रांतिकारी, उनको हमने याद किया है, एक तरीके से आपकी तरफ से उनको नमन किया गया है। जी, वो मैं इंकरेज AVVGM से ही हुई थी जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी और उन्होंने हमारे समाज के बारे में, हमारे गुज्जर जो सम्राट हैं मिहिर भोजी के बारे में बताया, मेरे को जितने भी क्रांतिकारी थे उनके बारे में बताया, तो मैं उससे इंकरेज हुई। मैंने कहा, मैंने सोचा फिर क्यों ना उनका स्केच बनाया जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा और लोगों को पता चलेगा स्केच के थ्रू, उनकी तस्वीरों के थ्रू कि वो कैसे दिखते थे, तो ये मैं उनकी वजह से इंस्पायर हुई। बिल्कुल, लोगों को पता चलेगा, लोग जानेंगे, जागरूक होंगे अपने क्रांतिकारियों को लेकर, अपने वीर शहीदों को लेकर, और ये जो दिमाग में लेकर ये जो कमिटमेंट की गई है ना, बहुत ही सुंदर कमिटमेंट की, क्योंकि बहुत जरूरी भी है आज के समाज में, क्योंकि जो AVVGM है वो कोशिश कर रहा है कि हमारा गुर्जर समाज अपने आप को जाने, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को जाने, तो उसके लिए ये कदम बेहद ही सराहनीय है और बहुत ही काबिले तारीफ है। तो हेमा जी, यहाँ पर हम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे चाहेंगे, क्योंकि 24 अगस्त आने वाला है, आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे आज के दिन, 24 अगस्त के दिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैम, मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये गुज्जर समाज है, हमारी जो कम्युनिटी है, ये बहुत ही पिछड़ी थी पहले, उसका कोई रीजन था, वो कुछ लोगों के थ्रू हमें दबाया गया या हमारी हिस्ट्री को मिटाया गया, जो भी आप कहना चाहें, तो ये जो चीज़ें हैं उसकी वजह से हमारा जो समाज था वो इधर उधर चला गया था, और एजुकेशन की बात की जाए तो बिल्कुल थी ही नहीं, तो जब पढ़ाई नहीं होगी तो उसके बारे में कुछ भी आप कुछ भी बोले समाज, तो कोई ट्रस्ट नहीं होगा उन पे, कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि अनपढ़ थे वो लोग उस टाइम पे। तो मैं अपने यूथ को ये बोलना चाहूँगी कि पहले तो अपनी पढ़ाई पे बहुत ही फोकस करें और पढ़ाई को बहुत ही सीरियसली लें, क्योंकि अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होगे तो कोई भी आपको मुंह नहीं लगाएगा, और आप कुछ भी बोलोगे चाहे वो बात सच हो 100%, तो वो भी सच नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपके पास पढ़ाई नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपनी जो पढ़ाई है उसे स्ट्रांग करें, बिकॉज अभी जो मेरे को AVVGM के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, ये बहुत ही इतना स्ट्रांग मटेरियल उन लोगों ने मेरे को बताया, क्योंकि मैं भी बचपन से हमें यही बताया जा रहा है कि मैं पूछती थी अपने फादर से कि गुजर होता क्या है, तो मेरे फादर बोलते हैं हम बैकवर्ड होते हैं, गुजर मींस जो गौचर होते हैं, ट्राइबल पीपल। जी जी बिल्कुल, हमारा काम दूध दही का होता है, तो मेरे को हमेशा से यही बताया गया। और एक और बोलते हैं कि पुष्कर में वो गुजरों का धाम है, और जो वहाँ गॉड थे उन्होंने एक गुजरी से शादी करी, राधा जी गुजरे, तो मैं कोरिलेट नहीं कर पाई उन सब चीजों को, कि इतने महान भी थे और यहाँ पे आप जी बैकवर्ड हैं और भगवान शादी कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही मिक्स्ड अप हो गई थी इन सब चीजों से। और इवन मैं बुक्स में भी काफी मैंने गुजरों का जिक्र पढ़ा है, इवन गुजर प्रतिहार मेरा हमेशा ये दिमाग में चलता रहा कि टाइटल वर्ड इज गुजर प्रतिहार, और अंदर हम जब डिटेल में जाते हैं तो वो कुछ और ही बन जाता है, तो मेरा बहुत ही कंफ्यूज्ड मैं रही थी।
तो ये जो प्रॉब्लम मेरी कंफ्यूजन की प्रॉब्लम ये AVVGM ने सॉल्व करी. उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे स्ट्रांग मटेरियल दिए कि मैं उनको झूठा कह ही नहीं सकती. एक होता है मुंह से अनाउंस कर दिया, हाँ भाई वो जो बुद्धू होते हैं वो बिलीव कर लेते हैं. बट दर्शकों आपको पता ही है कि AVVGM काफी तथ्यों के साथ सारी बिल्कुल बातों को बिल्कुल सामने रखता है. दे हैव रूमफुल प्रूफ्स और इतने स्ट्रांग प्रूफ हैं कि कोई भी मना ही नहीं कर सकता. वो बहुत ही एकदम जी बिल्कुल. और इंडियन आर्कोलॉजिस्ट जब अपने मुंह से बोलता है के मोहम्मद जी तो आपको बिलीव करना पड़ेगा. बिल्कुल तो वो है. तो इन सब चीजों के लिए नॉलेज होनी जरूरी है, पढ़ाई होनी जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे इन सब चीजों को. तो मेरा ये ही था कि अपने यंगस्टर्स को कि समाज में थोड़ा इंटरेस्ट लें, क्योंकि आपको पता चलेगा अपने समाज के बारे में तभी आप अपने बच्चों को आने वाली पीढ़ी को बता पाओगे. अगर नहीं पता चलेगा तो यही वो समाज समाप्त हो जाएगा. तो ये जो समाप्तन है ये नहीं होना चाहिए. आपको नॉलेज होनी चाहिए आप क्या थे, आप कैसी रॉयल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. तो ये मेरा मैसेज यंगस्टर्स को. बिल्कुल. तो शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिल्कुल. जानकारियों के लिए शिक्षित होना, क्योंकि हेमा जी आपने बताया कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप किसी भी चीज को नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. और रही बात तथ्यों की, तथ्य तभी समझ में आएंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आप एजुकेटेड होंगे. हेमा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. दोस्तों हमारे साथ फिलहाल छोटी सी मुलाकात में इतना ही. नमस्कार. नमस्कार. मैं आज तहे दिल से AVVGM का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. मुझे आज वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और मुझे बहुत सम्मान दिया. और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि 24 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस है, तो मैं अपने सारे भाइयों को, अपनी बहनों को बोलना चाहती हूँ कि इस दिन भारी संख्या में पार्टिसिपेशन होना चाहिए आप लोगों का. अपनी यूनिटी दिखाने का दिन है. जय मिनी भोज, जय देव नारायण. धन्यवाद. जय वीर भोज, जय वीर भोज, जय वीर भोज, जय वीर भोज. गुजर देश जिंदाबाद, गुजर देश जिंदाबाद, गुजर देश जिंदाबाद.